हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आज मैं सफ़र कर रहा हूँ तेजस राजधानी, जो कि दिल्ली से खुलकर जाती है पटना को। मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे और पहले से काफ़ी खड़ी थी, बट डोर्स क्लोज थे, डोर्स अभी खुले हैं और मैं अपनी बोगी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है मेरी बोगी। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और मैं चलता हूँ अपने सीट की तरफ। वैसे राजधानी की एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ के जो सीट्स होते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेन्स, काफ़ी कंफर्टेबल और थोड़े से चौड़े होते हैं। तो इस मामले में पहली नज़र और पहला रेटिंग तो मेरा अच्छा जाता है। साथ में अगले 12 घंटे के सफ़र में मैं फुल ऑन रिव्यू दूंगा इस ट्रेन का। बने रहो हमारे साथ। अभी मैं चलता हूँ ऊपर क्योंकि नीचे लोग आने शुरू हो चुके हैं। तो मैं अपने सीट पे आ चुका हूँ जो कि सबसे ऊपर वाली है और लिटरली काफ़ी स्पेसियस लग रहा है। और ट्रेन में आते ही हमें मिल चुकी है पानी की बॉटल। ये रेल नीर वाली जो बॉटल होती है, और साथ में ही भैया हमारा खाना का ऑर्डर भी लेते हैं कि आप वेज खाओगे या नॉन वेज खाओगे। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई मैं वेज खाऊँगा। कुछ 20 मिनट बाद मेरे पास ये आ जाती है स्नैक्स की थाली, जिसमें ये कुछ है दालमोठ जैसा, आगे देखूँगा, और कचौरिया, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, और सैंडविच। वैसे सैंडविच देखने में मुझे काफ़ी बेसिक लगती है। जैम मुझे दिख रहा है अंदर, बट हम इसको देखने वाले अच्छे से, इसके रिव्यू भी करेंगे। और साथ में हमारी चाय की पोटली और ये कुछ डेजर्ट लग रहा है, देखते हैं आज क्या मिला है डेजर्ट में। एंड केचप, तो मे बी कचौरी या फिर सैंडविच के साथ जाने वाला है। श्योरली डेजर्ट है क्योंकि स्पून मिला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कचौरियों के साथ। वैसे ठंडी है, बट लेट्स टेस्ट। सरप्राइजिंगली इसकी टेस्ट मुझे बेटर लगती है, ठंडे होने के बावजूद टेस्ट अच्छा था। अब अगला ये देखो, मुझे लड्डू मिली है यार। राजधानी में लड्डू कब से मिलने लगे भाई। वैसे जो है बेटर है। ओके, अब सैंडविच में ट्राई करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला काफ़ी बेसिक है, जैम लगा हुआ है अंदर। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। मुझे तो एवरेज ही लगा, ठीक ठाक है। और अगली चीज़ लड्डू जो ट्राई करते हैं यहाँ की, वैसे पैकिंग तो अच्छा था और टेस्ट इसका मुझे तो खास लगा, अच्छा टेस्ट है, अच्छी लड्डू है वैसे। एंड अगली चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, मुझे लगा दालमोठ है, बट भाई ये निकला क्या यार, बिहार वालों बताओ ये क्या है, भूजा। लिटरली भूजा पैकेट्स में कौन बेच रहा है आजकल भाई यार, बिजनेस वालों का क्या क्या कहने। ओके, तो अब मैं बनाता हूँ चाय। चाय की पोटली में देखते हैं कि क्या क्या मिला है हमें। तो सबसे पहले मैं कैमरा रख दूँ कहीं सही जगह। ओके, सबसे पहले मुझे मिला है ये डेरी पाउडर, मिल्क पाउडर। वैसे पैकेट काफ़ी छोटा है, बट और है। फिर ये शुगर, वो जो पाउडर वाली शुगर होती है। ओके, सो पाउडर वाली शुगर है। एंड चाय पत्ती। वैसे एक चीज़ है कि ट्रेन वाली चाय तो आप ले लेते हो, बट असली मज़ा आता है ना वो, जो जब तक चाय पत्ती में उबाल नहीं आती है ना भाई, तब तक चाय का मज़ा नहीं आता है। मैंने पानी, गर्म पानी ऑलरेडी ले रखी थी, मैंने उसमें डाल दिया मिल्क पाउडर। फिर अगली बारी आती है चीनी पाउडर की, शुगर पाउडर क्या बोल रहा हूँ, शुगर की। ओके, इसके बाद एंड इसको पहले से कर लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे चाय की पोटली। तब तक ये ट्रेन हमारी गंगा रिवर को पास करने वाली है भाई, और बाहर के जो नज़ारे हैं ना, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्या मज़े आ रहे हैं यार। देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है ये जगह। ऐसे अगर आप इस रूट से ट्रेवल करते हो तो मुझे कॉमेंट में बताओ ये कौन सी ब्रिज है, दिल्ली से पटना वाले रूट में राजधानी की ये कौन सी ब्रिज है और ये कौन सी नदी है। नदी तो वैसे मैंने बता दिया, बट आप ज़रूर बताना। मैं भाई 2 घंटे के लिए सो गया था, उठने के बाद हमें मिलता है खाना। एंड खाने में मिलती है 2 रोटियां, साथ में जीरा राइस,
और दाल है और पनीर की सब्जी है और एक है मिक्स वेज, साथ में मिलती है आइसक्रीम एंड उसके अलावा अचार। तो हेलो दोस्तों, मैं उतर चुका हूँ पटना जंक्शन पे और मैं बाहर निकलता हूँ और ऑटो की तलाश करता हूँ। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, ट्रेन 1 घंटे लेट थी। तो भाई ऑटो मिल गया है मुझे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारे। सुबह सुबह पास में हनुमान मंदिर और उसी वजह से यहाँ देखो कितनी फूलों की बिक्री हो रही है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा खुशबू जो आ रही है ना फूलों की। मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में पटना के हनुमान मंदिर या कोई और जगह दिखाने के लिए। बाय बाय।